आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में इंटरनेट कैसे चलाएं, यानी कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट करें, और अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में यूट्यूब कैसे चलाते हैं। यदि आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को नहीं देखा तो आप अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में यूट्यूब चलाने का प्रॉपर तरीका नहीं सीख पाएंगे या फिर इंटरनेट कनेक्ट करने का प्रॉपर तरीका नहीं सीख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ राम के प्रजापति, स्वागत करता हूँ राम जी के चैनल में। यहाँ पर मेरे पास स्मार्ट एलईडी टीवी है, एकदम से एंड्रॉयड टीवी भी इसे कह सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो है मेरे पास एक रिमोट है। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए जो चीज चल रही है, ये एक तरह से ये चैनल है, यानी कि ये हमारा डिश टीवी है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, इससे चल रहा है। अभी हम इसमें जो है यूट्यूब चलाएंगे। यूट्यूब कैसे चलाएंगे, सबसे पहले हमें इसमें इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जो रिमोट है ना, रिमोट में हमें जो है ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये गूगल का दिया गया है, इस पर हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा टीवी है वो डायरेक्टली आ जाएगा एकदम नॉर्मल मोड में, जैसे कि कुछ इस तरीके से जब आपने अपने स्मार्ट एलईडी टीवी को खरीदा होगा तब उसमें दिखता होगा। कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सामने ही YouTube का ऐप आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम इसको चला नहीं सकते क्योंकि इसको चलाने के लिए हमारे टीवी में इंटरनेट का होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हमें अपने स्मार्ट एलईडी एंड्रॉयड टीवी में YouTube को चलाना है, YouTube ऐप को रन करना है, चलाना है, YouTube पर वीडियो वगैरह देखना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा और अपने स्मार्ट एलईडी या एंड्रॉयड टीवी में हमें इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोग को अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं सिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई इज नॉट कनेक्टेड बता रहा है हमारे स्मार्ट एलईडी टीवी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मतलब हमारे पास जो रिमोट है इसका ये जो मतलब घुमाने वाला जो चीज़ें होती है, जो हमारा बटन है ऐसे, इसको चारों बाजू घुमा सकते हैं। इसको हम ऊपर ऐसे ऐसे दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर ये वाला चीज़ दबाएंगे तो ये इस साइड में जा रहा है। इसी तरीके से हमें लाकर यहाँ पर देखिए इस साइड में ले जाना है, इनपुट में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर सेटिंग पर ले जाएंगे तो यहाँ पर सेटिंग पर आ गया। अब हमें ये जो बीच वाला बटन है इसको हमें प्रेस करना होगा तो सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये हमने दबाया तो यहाँ पर हमारे स्मार्ट एलईडी टीवी की जो सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है। और देखिए नेटवर्क एंड इंटरनेट वाईफाई इज टर्न ऑफ है, तो हमें इसको ऑन करना है। तो बाय डिफॉल्ट देखिए इसी पर ये चीज़ सेलेक्ट है, हम इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। देखिए तो हमें इस पर ले जाना है, अपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद से ये जो बटन है बीच वाला इसको दबाना है। जैसे हम दबाएंगे तो यहाँ पर वाईफाई आ चुका है जो कि ऑफ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको ऐसे ऊपर नीचे ले जाना है, फिर इसके बाद से यहाँ पर जो बीच वाला बटन है ओके बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर वाईफाई ऑन कर दिया हमने, यहाँ पर एक वाईफाई हमारा जो नेटवर्क है उसको यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लिया अवेलेबल है। तो हम इस पर नीचे लाएंगे और इसके पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है पासवर्ड डालने के लिए, तो हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। तो दोस्तों वाईफाई का इंटरनेट का पासवर्ड डालने के लिए हमें यहाँ पर देखिए कीबोर्ड आ गया है, जिस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में भी दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, इससे इधर मूव करेंगे, इधर उधर मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, जो भी हमारा पासवर्ड वगैरह हो। हमारे जो कुछ गलती से यहाँ पर पासवर्ड जो है गलत टाइप हो गया है, तो उसको कैसे हटाएंगे, उसको हम इसी तरह से ऐसे लाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पर ये नीचे की साइड में ये जो है इस पर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर हट गया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने मतलब अपने टीवी में जो पासवर्ड है इंटरनेट का वो डालेंगे। सो दोस्तों एक बार जब पासवर्ड टाइप हो गया तो हम यहाँ पर नीचे की साइड में आएंगे और ये जो जो की है यहाँ पर ये दिख रहा है, इस पर लाकर हम ऑप्शन उस पर ओके कर देंगे। कनेक्टिंग टू वेलकम, ये हमारा वाईफाई है जिससे हमारा जो टीवी है वो कनेक्ट हो रहा है। एक बार जब हमारे स्मार्ट एलईडी टीवी में इंटरनेट कनेक्ट हो गया, फिर हम आसानी से एलईडी टीवी में या फिर एंड्रॉयड टीवी में यूट्यूब चला सकते हैं। ये बेसिकली कनेक्टिंग सक्सेसफुली ऑप्शन भी आ गया है, वेलकम कनेक्टेड, ओके। तो इस तरीके से हमने अपने टीवी में इंटरनेट को कनेक्ट कर लिया। अब बेसिकली हम यहाँ पर यूट्यूब चलाएंगे, बहुत ही आसान है। हम फिर से यहाँ पर ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, ये जो सर्कल वाला है इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा हमारे टीवी में। तो बेसिकली दोस्तों हमने अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है वाईफाई के थ्रू। अब हम यहाँ पर चाहे तो कोई भी जो ऐप है वो चला सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप भी चला सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, पैच वाली टीवी, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, ये सब कुछ दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर भी आ चुका है। हम चाहें तो किसी ऐप को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ओके। तो मेरा मकसद है अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में यूट्यूब चलाना, तो हम यूट्यूब पर लाएंगे ऐसे और यूट्यूब पर आ गया है ऑप्शन, हम इस पर ओके कर देंगे। ये जो बटन है इस पर ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे तो ये यूट्यूब देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। इस तरीके से यूट्यूब ओपन हो रहा है हमारे यूट्यूब और ये स्मार्ट एलईडी टीवी में। अब बेसिकली हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं अपने टीवी। स्मार्ट एलईडी टीवी में यूट्यूब पूरा कनेक्ट हो चुका है। हम बेसिकली इस वाले वीडियो को चलाना चाहते हैं तो हम सिंपली इस पर ओके करेंगे तो ओपन हो रहा है। जो वाईफाई है, जो इंटरनेट है, वो कितना मतलब यहाँ पर फास्ट स्पीड है, जितना स्लो रहेगा तो थोड़ा सा ये बफरिंग करेगा यहाँ पर। अगर आपके मतलब जो वाईफाई है उसका स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर तुरंत चलने लगेगा। देखिए यहाँ पर ऐड भी आ गया, तो ऐड को बेसिकली आप ये बीच वाला बटन दबाएंगे तो ये ऐड स्किप हो जाएगा।
अब आप लोग यहाँ पर YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने जो लगा दिया है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग YouTube प्राइम वीडियो सारे ऐप चला सकते हैं। यदि आप लोग के स्मार्ट एलईडी टीवी में अभी भी YouTube नहीं चल रहा है या फिर YouTube से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।